उसमी चालकता गुणांक उसमें चालकता गुणांक पढ़े थे है ना, इसका भी देखते हैं एक उदाहरण है ना। आपके पास क्वेश्चन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 0.04 सेंटीमीटर मोटी कांच की खिड़की से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी यदि कमरे के अंदर का ताप 35 अंश सेंटीग्रेड तथा बाहर का ताप 0 अंश सेंटीग्रेड हो। तो कांच का ऊष्मा चालकता गुणांक कितना दिया है आपका 2.2 × 10³ कैलोरी प्रति सेकंड अंश सेंटीग्रेड सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न है, आपको क्या निकालना है, ऊष्मा चालकता ऊष्मा चालकता गुणांक दिया हुआ है आपको, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर मतलब Q/T आपको निकालना है। ठीक है, तो आपके पास दिया है ठीक है, क्या क्या आपको दे दिया है, कौन कौन सा मान दे दिया है आपको, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, लंबाई आपका जो मोटाई है कांच का वो कितना है 0.04 सेंटीमीटर, और तापांतर है आपका 35। तो आपका क्या होगा, हल करोगे तो आपका A का मान दिया है 1000 मोटाई आपका दिया है सेंटीमीटर 0.04 सेंटीमीटर, तापांतर दिया हुआ है आपका θ1 − θ2, आपका अधिक ताप कितना है 35, और बाहर जो कहिए तो कमरे का ताप हो गया 35 है ना, और बाहर का ताप कितना हो गया 0 सेंटीमीटर, तापांतर कितना है आपका 35। तो आपको निकालना है ऊष्मा प्रवाह की दर। तो आपका सूत्र क्या है, सूत्र आपके पास सूत्र है Q/T = kA θ1 − θ2/L, वहां d था, d के जगह यहां l लिया गया है तो L। ठीक है, तो आपका Q/T क्या को बताता है, T के सापेक्ष ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर K ऊष्मा चालकता गुणांक, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल θ1 − θ2 तापांतर, और L आपका लंबाई और यहां कांच की मोटाई से है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको A का मान दे दिया गया है, L और θ1 − θ2 इनके मान दे दिए गए हैं, K का मान आपका दिया है 2.2 × 10³ कैलोरी प्रति सेकंड अंश सेंटीग्रेड सेंटीमीटर। तो आपका K का मान दिया हुआ है 2.2 प्रति अन सेंटीग्रेड सेकेंड। ठीक है, ये मान आपको दिए गए हैं, ये आपका सूत्र है। तो इसमें मान रखोगे तो कितना आएगा आपका, यहां पर मान रखेंगे यहां पर कितना 2.2, A का मान 1000, θ1 − θ2 का मान कितना है 35 अंश सेंटीग्रेड, और L का मान है 0.04। सभी मान रख दें तो कितना आएगा आपका, इसको यदि सभी मानों को रखते हैं तो आपका आएगा Q/T = K का मान 2.2, A का मान है
1000 थीटा वन माइनस थीटा टू का मान अंतर है आपका तापांतर 35 और एल का मान है आपका 0.04। इसको यदि आप हल करते हो है ना, ऊपर वाले को गुणा करके आप नीचे से भाग देते हो तो आपका आएगा 1925 कैलोरी। ठीक है, तो Q अपान T का मान कितना आया, 1925 कैलोरी प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये है आपका ऊष्मा प्रवाह की दर Q अपान T। तो इस प्रकार आपका यदि किसी एक का भी मान निकालना है तो बाकी का मान यदि दिया हुआ है ना, तो उसको आप क्या करोगे, जिनके मान दिए गए हैं उसको एक साइड रखोगे और जिसका मान नहीं दिया गया है उसको दूसरे साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, ऊष्मा प्रवाह की दर। तो Q अपान T मतलब क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की दर। तो हमने इसको एक साइड किया उस सूत्र में और बाकी को दूसरे साइड और सारे के मान रख दिए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हल करेंगे। आगे है आपका ऊष्मा चालकता के कुछ विशेष पद। ऊष्मा चालकता के कुछ विशेष पद या कुछ परिभाषाएं हैं, ऊष्मी चालकता के पद, ऊष्मी चालकता के पद में पहला है आपका ऊष्मी विसरणशीलता। ऊष्मी विसरणशीलता, अभी ऊष्मीय विसरणशीलता क्या है, जैसे कि परिवर्ती दशा की बात करें, परिवर्ती दशा में क्या होता है, परिवर्ती दशा कौन सी दशा होती है, जब आपका ताप परिवर्तित होता है मतलब उस पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण भी होगा और प्लस ऊष्मा का संचरण भी होगा, दोनों ही कंडीशन लागू होंगे। ठीक, उस कंडीशन को अब हम क्या कहते हैं, परिवर्ती दशा कहते हैं। तो जैसे पदार्थ के अनुसार क्या होता है, यदि ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो वो पदार्थ पर डिपेंड करेगा कि कितना को वो अवशोषित करता है और कितना को वो आगे की ओर बढ़ाता है। तो आपका जैसे उसमें संचरण के समय या ऊष्मा की जो मात्रा है, अगर उस पदार्थ की चालकता अधिक है तो आसानी से आगे प्रवाहित हो जाएगा, और यदि उसकी ऊष्मा धारिता अधिक है तो उस कंडीशन में ऊष्मा जो प्रवाह की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, यदि धारिता अधिक है उस कंडीशन में ऊष्मा प्रवाह का जो दर है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, इसका कारण ऊष्मा प्रवाह का दर कम होने का कारण है कि यदि पदार्थ अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करेगा, ऊष्मा धारिता के मतलब ऊष्मा का अवशोषण अधिक, तो उस कंडीशन में उसको समय लगेगा, अवशोषित ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगा तो आगे प्रवाहित होने में समय लगेगा उसको, तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्या हो गई, कम हो गई। यदि चालकता अधिक है उस कंडीशन में क्या होता है, आसानी से आगे चला जाएगा, लेकिन यदि धारिता अधिक है तो आसानी से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो ये दो चीजें उसको इफेक्ट करती हैं ऊष्मा प्रवाह की दर को, एक तो उसकी ऊष्मीय धारिता और एक ऊष्मा चालकता। तो माना कि पदार्थ
का घनत्व, रो है, घनत्व को रो से प्रदर्शित किया गया है यहां पर, तथा विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा एस है। अतः एकांक आयतन में, एकांक आयतन में ऊष्मी धारिता बराबर हो जाएगा आपका इन दोनों के गुणनफल के बराबर, रो और एस के गुणनफल के बराबर, तो रो इंटू एस। माना कि उसमें चालकता के है, उसमें चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। तो उस कंडीशन में आपका ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर Q अपान T अनुक्रमानुपाती होगा K के, चालकता अधिक होगी तो ऊष्मा प्रवाह की दर भी अधिक होगी, और दूसरा आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, ऊष्मी धारिता के। मतलब ऊष्मी धारिता का मान कितना है, रो इंटू एस, तो रो इंटू एस का आपका व्युत्क्रम होगा, तो क्यू अपान टू व्युत्क्रमानुपाती होगा रो एस का। तो आपका क्यू अपान टी अनुक्रमानुपाती के और व्युत्क्रमानुपाती रो एस। तो यहां जो के अपान रो एस है, के अपान रो एस, इसी को ही कहते हैं ऊष्मी विसरणशीलता। क्या कहते हैं इसको, के अपान रो एस को ऊष्मी विसरणशीलता। तो आपका यहां पर के अपान रो एस ऊष्मी विसरणशीलता कहलाती है। तो ये हो गया आपका के अपान रो एस ऊष्मी विसरणशीलता। अब इसमें ऊष्मी विसरणशीलता को प्रदर्शित करते हैं एच से, स्मॉल एच। ऊष्मी विसरणशीलता को किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एच से। तो एच बराबर क्या हो गया आपका, के अपान जो पहले आया था आपका के अपान रो एस, एच इक्वल टू के अपान रो एस, ये आपका कहलाता है ऊष्मी विसरणशीलता। अगला दूसरा पद है या दूसरी परिभाषा है इसमें ऊष्मी चालकता में, ऊष्मी प्रतिरोध, ऊष्मी प्रतिरोध। ऊष्मी प्रतिरोध निकालने के लिए हम पुनः ऊष्मीय चालकता गुणांक का सूत्र लिखेंगे। क्या था आपका सूत्र, क्यू
इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपॉन डी। ये आपका सूत्र था। इस स्थिति में यदि हम टी को इस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा आपका, क्यू अपॉन टी इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी। समीकरण एक। अब इसमें इस समीकरण एक से थीटा वन माइनस थीटा को एक तरफ रखते हैं और बाकी पदों को दूसरे तरफ, तो आपका क्या बन जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू क्यू अपॉन टी इनटू डी अपॉन के ए, इक्वेशन टू। अब यहां पर थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू क्यू अपॉन टी इंटू डी अपॉन के ए आया। इसकी तुलना यदि विद्युत के समीकरण से करें, विद्युत में आपका प्रतिरोध और विभवांतर के में संबंध बताने के लिए ओम ने जो नियम प्रतिपादित किया था उसके अनुसार से सूत्र क्या था आपका, ओम के नियम से V इक्वल टू IR, जिसमें V आपका विभवांतर I धारा या आवेश प्रवाह की दर, R आपका प्रतिरोध है यहां पे। तो इसकी तुलना हम यदि समीकरण दो से करते हैं तो देखिए यहां पर V क्या को बताता है, विभवांतर को बताता है ना, थीटा वन माइनस थीटा टू क्या को बताता है, तापांतर को बताता है, ये विभवांतर को बताता है तो ये तापांतर को बताता है। उसी प्रकार आई, आई क्या है, आवेश प्रवाह की दर है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर आई है। तो यहाँ क्यू अपान टू क्या, टी क्या है आपका, ऊष्मा प्रवाह की दर है, ऊष्मा प्रवाह की दर है। तो आपका V हो गया इसके बराबर, I हो गया इसके बराबर, तो जो बचा हुआ भाग है D अपान के किसके बराबर होगा आपका, R के बराबर होगा। दोनों की तुलना करोगे तो समीकरणों को, तो आपका क्या हो जाएगा, तुलना करने पर, तुलना करने पर कितना आएगा, तुलना करने पर R इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ हमें, D अपान के, D अपान के। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है समीकरण दो से, D अपान के को एक साइड रखे बाकी को दूसरे साइड, तो आपका D अपान के का मान कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपान क्यू इतना आएगा। तो इसके जगह हम रख दें समीकरण दो से मान रखने पर, समीकरण दो से मान रखने पर, मान रखने पर कितना आएगा आपका, आर इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू टी अपान क्यू, या इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, थीटा वन माइनस थीटा टू
आप आंटी को इसके बटे में ले जाए या इस रूप में लिखें, एक मतलब है, तो क्यू अपान टी इस रूप में लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक है, है ना। लेकिन इस रूप में लिखने का मतलब ये है कि हम एक परिभाषा, एक निश्चित परिभाषा दे सकते हैं इससे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू अपान टी आपका क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर, और थीटा वन माइनस थीटा टू क्या है, तापांतर। तो ऊष्मीय प्रतिरोध का परिभाषा क्या हो गया, ऊष्मीय प्रतिरोध किसके बराबर होता है, उस पदार्थ के तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के, है ना। तो आपका परिभाषा क्या हो गया, किसी पदार्थ के तापांतर और ऊष्मा प्रवाह के दर के अनुपात को क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आपका ऊष्मीय प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अगला आपका पद है समतापी पृष्ठ और ताप प्रवणता। समतापी पृष्ठ और ताप प्रवणता, समतापी पृष्ठ और ताप प्रवणता। समतापी पृष्ठ किसे कहेंगे, समतापी जहां क्या हो, ताप क्या हो, एक समान हो, ओ वाला जो पृष्ठ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, समतापी पृष्ठ कहलाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए आपके पास एक क्षण है, इस प्रकार का, इसको अन्य पृष्ठों में हम विभक्त कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऊष्मा का संचरण हो रहा है, यहाँ ऊष्मा क्यू, यहाँ ऊष्मा, ये भी एक क्षण है, ठीक है। तो इस स्थिति में समतापी पृष्ठ किसे कहेंगे, जैसे परिवर्ती दशा में, परिवर्ती दशा में क्या होता है, ऊष्मा जैसे जैसे प्रदान की जाती है पदार्थ को, उसके अनुपात में क्या होने लगता है, ऊष्मा का संचरण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ताप परिवर्तित होने लगता है। स्थायी दशा में क्या होता है, स्थायी दशा में आपका ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मतलब अब क्या होगा, ताप में और परिवर्तन नहीं होगा, जितना था उतना ही बना रहेगा, वो आपकी क्या कहलाती है, पदार्थ की स्थायी दशा कहलाती है। लेकिन पदार्थ की स्थायी दशा तो है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि प्रत्येक पृष्ठ का ताप समान होगा, है ना। जो ऊष्मा पहला वाला जो भाग है उसकी उसका ताप अधिक होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ताप क्या होने लगता है, कम है, है ना। ताप स्थिर जरूर हो गया है, परंतु पहले पृष्ठ का ताप अधिक है, फिर अगला पृष्ठ का ताप कम है, फिर अगले पृष्ठ का ताप कम है, और सबसे जो अंतिम वाला जो पृष्ठ है उसका ताप क्या है, सबसे कम है, यह है आपका। लेकिन प्रत्येक पृष्ठ का ताप क्या हुआ है, एक समान बना हुआ है। यह आपकी क्या, कौन सी यह दशा हो गई, स्थायी दशा हो गई। तो इस कंडीशन में यदि हम इस पूरे जो क्षण आपके पास है, है ना, या ये पदार्थ है, उसको पृष्ठों में यदि हम अलग अलग कल्पना करें, है ना, तो एक एक जैसे ये इसकी संचरण की दिशा हो गई, संचरण दिशा के लंबवत यदि एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो वहां उस पृष्ठ में ताप क्या रहेगा, आपका एक समान बना रहेगा। अगला पृष्ठ से ताप जरूर कम होगा, जैसे ये वाला पहले पृष्ठ की बात करें तो इससे कम जरूर होगा, लेकिन इसी पृष्ठ में
क्या होगा? वह ताप एक समान बना रहेगा। जैसे एक क्षण है, उसको इतना लंबा क्षण है आपके पास, है ना, उसको हमने गर्म किया, स्थायी दशा प्राप्त हो गई है। अब इधर आपके जैसे इस तरफ ताप संचरित हो रही है या ऊष्मा संचरित हो रही है, तो हम यदि एक केवल एक फलक की बात करें तो वहां पर क्या होगा, ताप एक समान बने रहेगा, आगे भले कम है लेकिन उसी पृष्ठ में क्या होगा, ताप एक समान बना रहेगा, बना रहेगा। यही पृष्ठ क्या कहलाता है, आपका समतापी पृष्ठ कहलाता। इस प्रकार आपका समतापी पृष्ठ यहाँ पर क्लियर हो गया। समतापी पृष्ठ मतलब क्या होगा, ऊष्मा के संचरण के लंबवत यदि हम कोई भी पृष्ठ लेते हैं तो वो एक समतापी पृष्ठ होगा। भले ही दो पृष्ठों के दो समतापी पृष्ठ हैं, उनमें ताप में अंतर हो सकता है, लेकिन उसी पृष्ठ में आपका क्या होगा, ताप एक समान बना रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, समतापी पृष्ठ कहलाता है। अब ये इसी से हम किसको समझ सकते हैं, ताप प्रवणता को समझ सकते हैं। ताप प्रवणता मतलब क्या है आपका, ताप प्रवणता दूरी के साथ ताप में परिवर्तन, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, ताप प्रवणता कहलाता है। यदि माना कि x व x प्लस डेल x दूरी पर स्थित दो समतापी पृष्ठ हों, दो समतापी पृष्ठों के ताप क्रमशः थीटा व थीटा माइनस डेल थीटा हैं, थीटा माइनस डेल थीटा है, तो इस स्थिति में आपका ताप प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। ताप प्रवणता मतलब क्या है, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन, तो आपका कितना हो जाएगा, अंतिम ताप कितना है, थीटा माइनस डेल थीटा, और प्रारंभिक ताप पहले सिरे का पहले पृष्ठ का ताप कितना है, थीटा, ये हो गया। और दूरी में कितना परिवर्तन हुआ है आपका, अंतिम दूरी कितनी है, x प्लस डेल x, और प्रारंभिक कितनी है, x माइनस x, तो कितना आ गया आपका, कितना हुआ, ताप प्रवणता, प्रवणता बराबर ये आपका माइनस थीटा, यहां पर है, यहां थीटा है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, माइनस डेल थीटा, माइनस डेल थीटा, और यहां पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा आपका, डेल एक्स, तो ये आपका आ गया डेल एक्स। तो ये हो गया आपका ताप प्रवणता का सूत्र, माइनस डेल थीटा अपान डेल एक्स, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन, ये आपका क्या कहलाता है, ताप प्रवणता कहलाता है। ठीक है, यहां पर माइनस चिन्ह दिया गया है, माइनस का क्या अर्थ है, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन यहां कौन सा चिन्ह आया है, ऋण चिन्ह आया है, ऋण चिन्ह का मतलब है आपका कमी को बताता है। तो यहां पर दूरी के साथ किस में कमी हो रही है, ताप में कमी हो रही है ना, है ना, तो उस कमी को बताने के लिए यहां पर कौन सा चिन्ह लगाया गया है, ऋण का चिन्ह लगाया गया है। मतलब जैसे जैसे समतापी पृष्ठ में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, ताप कम होता जाएगा, दूरी के साथ ताप में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यही
इस चिन्ह का मतलब है। तो ये आपका ताप प्रवणता बराबर माइनस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो ये कुछ पद थे आपके, कुछ परिभाषाएं थी, जैसे ऊष्मीय विसरणशीलता, दूसरा पद आपका क्या आया ऊष्मीय प्रतिरोध, तीसरा पद आपका क्या आया ताप प्रवणता, समतापी पृष्ठ। तो जानना जरूरी है कि क्या चीजें हैं। अगला है आपका इंजन हॉज के प्रयोग द्वारा विभिन्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकताओं की तुलना करना। इंजन हॉज के द्वारा विभिन्न पदार्थों के ऊष्मीय चालकताओं की तुलना करना। इंजन हॉज के द्वारा विभिन्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकताओं की तुलना करना। तो ये प्रयोग था आपका इंजन हॉज का, वैज्ञानिक का नाम है इंजन हॉज। तो उन्होंने विभिन्न जो प्रकार के पदार्थ हैं उसकी ऊष्मीय चालकताओं की तुलना करने के लिए एक प्रयोग किया, उसी को क्या कहते हैं ऊष्मीय, आपका इंजन हॉज के द्वारा विभिन्न पदार्थों की ऊष्मीय चालकताओं की तुलना करना, है ना। इसमें क्या करेंगे, इंजन हॉज उन्हीं के नाम पर, उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा है इंजन हॉज, उसमें हम विभिन्न पदार्थों को लेंगे जिन पदार्थों की हमको क्या करना है ऊष्मीय चालकता निकालनी है, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे गणना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उन प्रयोग में जो इंस्ट्रूमेंट था उसको दिखाते हैं। खोलता पानी विभिन्न प्रकार की किचन धातु का पात्र होंगे, इसके कहते हैं इंजन हॉज। तो उन्होंने इस प्रकार का एक धातु का पात्र लिया, उसमें उन्होंने क्या कर दिया खौलता पानी उसको डाल दिया, इसमें इसमें छेद रखे गए हैं जहां पर आप किसको अटैच कर सकते हैं, जिन पदार्थों का आपको क्या करना है
अध्ययन करना है ऊष्मीय चालकता का, उसको यहाँ अटैच कर देंगे, जिसमें से उसका आधा भाग बाहर की ओर रहेगा, आधा भाग अंदर की ओर रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले इसमें मोम की परत चढ़ा देंगे, सभी पदार्थों में जितने भी क्षण आप ले रहे हो उसमें क्या कर देंगे, मोम की परत चढ़ा दिए। उसके बाद जैसे ही आप खौलता पानी डालोगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही खौलता पानी डालोगे आपका मोम पिघलने लगेगा ताप के साथ। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा पिघलने का, जब तक आपका ताप की स्थायी दशा प्राप्त ना हो जाए। जैसे ही ताप की स्थायी दशा प्राप्त होगी मोम का पिघलना बंद हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए, माना कि छड़ों की लंबाई, जो पिघला हुआ मोम है वहां तक की लंबाई है ना, वहां तक की लंबाई मान लीजिए L1, L2, L3, L4 है, तथा उष्मीय चालकता क्रमशः K1, K2, K3, K4 आदि है, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही मोम आपका स्थायी दशा प्राप्त होगा, मोम का पिघलना बंद हो जाएगा, वहां तक की हम लंबाई ले लेंगे, कहाँ कहाँ तक का पिघलना बंद होगा। उस क्षण की लंबाई ले लिए L1, L2, L3, L4, मान लीजिए आपने चार क्षण लिए हैं, तो चारों की लंबाई की गणना कर लिए। उसके बाद देखते हैं कि जो ऊष्मीय चालकता गुणांक है सभी की, वो किस अनुपात में होता है, K1, K2, K3, K4 क्रमशः अगर और लेते हैं तो आगे इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपका होता है इनका अनुपात लंबाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका जो अनुपात है इनके लंबाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या है, आपका जो ऊष्मीय चालकता गुणांक है किसके अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अतः के अनुक्रमानुपाती हो गया एल का वर्ग। तो इस की गणना किसने की थी, इंजन हॉज नामक वैज्ञानिक ने की थी, कि ऊष्मा चालकता गुणांक किसके अनुक्रमानुपाती होता है, L के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यदि हमको किसी भी पदार्थ की, जैसे मान लीजिए दो पदार्थ है, एक लोहा हो गया या दूसरा कोई और पदार्थ हो गया, दो क्षण ले लेंगे, उसका क्या करेंगे, इस प्रकार से इंजन हॉज में गर्म पानी डाल दिए, उबलता पानी, और मोम की परत चढ़ा दिए क्षण में, तो जितने दूर तक वो पिघले रहेगा स्थायी दशा में उसको हम निकाल लेंगे, वो तो नाप के निकाला जा सकता है L1 L2 की लंबाई। उसके बाद हम उनकी चालकताओं का क्या है उसमें तुलना कर सकते हैं दोनों की चालकताओं में। तो ये आपका है इंजन होज का प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने पढ़ा उष्मीय विसरणशीलता, उष्मीय प्रतिरोध, समतापी पृष्ठ और इंजन होज का प्रयोग। धन्यवाद। पिछली बार हमने जो आंकिक प्रश्न लिया था चालकता गुणांक का, उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, उसका आप लोग सुधार कर लेंगे, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे आपके पास उदाहरण था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और 0.04 सेंटीमीटर मोटी कांच की खिड़की से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी यदि कमरे के अंदर का ताप 35 अंश सेंटीग्रेड तथा बाहर का ताप 0 अंश सेंटीग्रेड हो। कांच का ऊष्मा चालकता गुणांक 2.2×10³³ कैलोरी प्रति सेकेंड अंश सेंटीग्रेड सेंटीमीटर है। ये आपका क्या था,
प्रश्न था, तो उसमें आपका सुधार यहाँ करना है। फिर से आप इसका हल देख लीजिए। जैसे आपको पास प्रश्न का हल दिया है, क्या क्या दिया था आपको? ए बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए का मान कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल का मान दिया है 0.04 सेंटीमीटर। एल का मान कितना दिया? 0.04 सेंटीमीटर। तापांतर, कमरे के ताप और वातावरण के ताप में तापांतर, θ1 - θ2 बराबर आपका है 35 - 0 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 35 °C। 35 °C हो गया। अब k का मान क्या दिया है? उसमें चालकता गुणांक का मान, k का मान आपके पास है k बराबर 2.2 × 10³ कैलोरी प्रति सेकेंड, कैलोरी प्रति, क्या हो जाएगा इसका मात्रक? कैलोरी प्रति सेकेंड अन सेंटीग्रेड सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? सेकेंड प्रति सेकेंड अन सेंटीग्रेड, और क्या होगा आपका? सेंटीमीटर। यहाँ और क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये आपका किसका मान हो गया? ऊष्मा चालकता गुणांक का मान कितना आया आपका? 2.2 × 10³ कैलोरी प्रति सेकेंड अन सेंटीग्रेड सेंटीमीटर। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। अब इसका सूत्र में मान रख के हल करते हैं तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा इसका मान? सूत्र क्या होता है उसमें चालकता गुणांक का? Q बराबर क्या होगा आपका? Q बराबर K A θ1 - θ2 T अपान क्या बटे में क्या होता है? L। तो ये हो गया K A θ1 - θ2 अपान L। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? उष्मा प्रवाह की दर। तो दर ज्ञात करने के लिए T को किधर लाना पड़ेगा? इस तरफ लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? Q अपान T इक्वल टू K A θ1 - θ2 अपान L। ये हो गया। अब सभी के मान रख देते हैं यहाँ पर। कितना कितना आया था आपका? K का मान कितना है? 2.2 × 10³ के का मान है आपका 2.2 × 10³। ए का मान कितना है? 1000। और तापांतर कितना है आपका? 35। तापांतर आपका है 35। और एल का मान कितना है? 0.04। तो ये आपने सब मान रख दिए यहाँ पर। अब इसको हल करोगे तो आपका मान आता है θ1 t बराबर कितना आ जाएगा? इसको हल करो तो उसमें आपका मान आता है 1925। इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 1925 कैलोरी प्रति, कितना आएगा? प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड। तो आपका कितना आ गया? इसका मान θ/t का मान 1925 कैलोरी प्रति सेकेंड। तो ये आपका मान आ गया। यही क्या होगा? ऊष्मा प्रवाह की दर।